सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पोलन मधुमक्खी कैसे इकट्ठा करती है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मधुमक्खी जो है एक बाजरे के फूल पर बैठी हुई है। बाजरे के जो है फिलहाल बीज बनने में समय है, अभी फूल खिले हैं। एक तरह से देसी भाषा में सर्टी बोलते हैं, ये बाजरे की जो सर्टी आई हुई है इस पे मधुमक्खी जो है बैठती है। और मधुमक्खी के शरीर पर एक तरह से बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके माध्यम से एक तरह से ग्रेविटी या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करके उसको पोलन को अपनी पैर की टोकरियों में इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद उसको अपने बी हाइव में बने कोष्ठक में स्टोक कर देती है। और उसको अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो एक पोलन ट्रैप होता है, वो बॉक्स के गेट के सामने लगा दिया जाता है, जिससे कि पोलन जो है उस पोलन ट्रैप या पोलन ट्रे जो होती है उसके ट्रे के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और वो जो है मतलब आदमी के खाने लायक भी है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, 40-50% के आसपास प्रोटीन होता है, जो कि अन्य किसी खाद्य पदार्थ में नहीं है। साथियों, मधुमक्खियों से फसलों में पैदावार बढ़ती है। मधुमक्खी किसी खेत के फूल पर बैठी है तो एक मिनट बाद किसी दूसरे खेत के दूसरे फूल पर बैठी होगी, जिससे फसलों में पैदावार बढ़ती है, पोलिनेशन होता है, परपरागण होता है। तो आपके आसपास कोई भी मधुमक्खी पालक भाई मधुमक्खी के बॉक्स रखवाने आए तो उसकी हर संभव मदद करें, इससे फसलों में काफ़ी पैदावार बढ़ती है। अब जैसे सरसों के फसल की ही बात करें तो एक एकड़ सरसों की फसल में 2.5-3 क्विंटल तक सरसों की अतिरिक्त पैदावार होती है, जिससे सीधा सीधा किसान की अतिरिक्त आय बढ़ती है। वह जागरूकता फैलाएं, खुद को भी जागरूक करें। मधुमक्खियां फसलों में पैदावार ही बढ़ाती हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।